हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी। ठीक है, तो ऐसा क्यों जरूरी होता है कि जो हम एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं उनको कंडक्टिंग क्यों बनाते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इसको समझने के लिए, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें समझना है यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यही हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए की कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि जब हम ऑर्डिनरी जो टायर्स होते हैं या जो ऑर्डिनरी रबड़ होती है वो इंसुलेटर होती है, ठीक है हमें पता है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके थ्रू तो करंट पास नहीं होती है। सो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दे डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, करंट थ्रू देम, ये होते हैं इंसुलेटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए, क्योंकि जो आपका एयरक्राफ्ट होता है जब वो लैंड करता है तो जो एयरक्राफ्ट टायर्स होते हैं, ठीक है टायर्स लिखेंगे यहाँ पर, तो टायर्स और सरफेस के बीच में, टायर और सरफेस के बीच में क्या होता है, बहुत ही तेज स्पीड से ये लैंड करता है, बहुत ही तेज स्पीड से, तो यहाँ पर टायर्स और सरफेस के बीच क्या होता है, रबिंग होती है, और रबिंग में यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर चार्ज हो जाते हैं, क्या होता है, ये टायर आपके चार्ज हो जाते हैं। और जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है, जो एयरक्राफ्ट होता है वो स्लाइटली कंडक्टिंग होता है, तो मतलब जो टायर्स होते हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं, ऐसा इसलिए होता है, देखिए मतलब जो टायर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के वो स्लाइटली कंडक्टिंग इसलिए होते हैं, देखिए अब चार्ज हो गया आपका टायर, अब चार्ज हो गया टायर, तो अगर वो इंसुलेटर होगा तो वो बॉडी को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन अगर वो कंडक्टर होगा यहां पर टायर, तो जो आपका चार्ज टायर है, ठीक है जो आपका टायर यहां पर फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज हुआ है, तो चार्ज इन टायर्स वो क्या होगा, दैट इज ट्रांसफर्ड टू अर्थ, इज ट्रांसफर्ड टू अर्थ, वो हमारा अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा और ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा जो टायर में जो भी चार्ज होगा। इस वजह से ऐसा आवश्यक होता है कि हम जो टायर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वी मेक देम चार्ज। अब ऐसा देखो अर्थ को ट्रांसफर, क्योंकि अर्थ की जो चार्जिंग कैपेसिटी है, चार्ज कैपेसिटी ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, चार्ज कैपेसिटी ऑफ अर्थ जो है इनफिनाइट, तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब उसको चार्ज ट्रांसफर करेंगे, राइट। सो दिस इज द रीजन दैट इज वाई कि हमारा जो टायर्स होते हैं दे आर मेड ऑफ लिटिल कंडक्टिंग। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई इज दिस नेसेसरी, तो ऐसा इसलिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस चार्जिंग के कारण क्या हो सकता है, जो चार्ज है तो इस चार्जिंग से क्या हो सकता है, स्पार्क क्रिएट हो सकते हैं, और स्पार्क के थ्रू जो होगा स्पार्क्स एंड कैन डैमेज, और ये क्या कर सकता है, एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है, राइट। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन। I hope you understood it well. Best of luck.